हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ है, किस क्रम में हुआ है, इसको देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास। इससे पहले हम लोग जो सीजी सेट का जो टेस्ट स्टार्ट होने वाला है पेपर वन के लिए, उसको देख लेते हैं। ये 26 मई से स्टार्ट होने वाला है और टोटल 16 टेस्ट होने वाले हैं, 10 सेक्शनल टेस्ट हैं और उसके बाद जो 6 टेस्ट हैं वो आपके फुल टेस्ट होंगे। 17 जुलाई तक आपका टेस्ट होगा। टेस्ट का जो फी है वो 500 रुपीज है। ये टेस्ट पीडीएफ के थ्रू होगा, आपको पीडीएफ मिलेगा टेस्ट का। और फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए टेस्ट का जो फी है वो होने वाला है 300 रुपीज। आज ही से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। फॉर मोर डिटेल यहाँ पर मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से आप जाके टेस्ट के बारे में देख लीजिए। भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास जो है, एक्चुअली हम लोग हिस्ट्री जो है इंडियन हिस्ट्री को, भारत के इतिहास को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला वो जहाँ हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा हम पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास और तीसरा पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग वेद पढ़ते हैं, वैदिक एज पढ़ते हैं, उसमें मौर्यन पीरियड पढ़ते हैं, उसमें गुप्तन पीरियड पढ़ते हैं, है ना, गुप्त काल पढ़ते हैं, मौर्य काल को पढ़ते हैं, वैदिक काल को पढ़ते हैं, उत्तर और प्राचीन वैदिक काल को पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक काल जिसको बोला जाता है, ये सब पढ़ते हैं हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में। लेकिन जैसे ही मध्य काल आता है तो मध्य काल के इतिहास में हम लोग उस भाग को पढ़ते हैं जहां पर भारत में मुस्लिमों का आक्रमण चालू हो गया। ठीक, उसमें दिल्ली सल्तनत को पढ़ा जाएगा, इसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल भारत को पढ़ा जाता है। फिर जब आधुनिक भारत की स्टार्ट होता है, हम लोग जब आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट करते हैं तो ये आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट हो जाता है जैसे ही अंग्रेज एंटर करते हैं भारत के, अंग्रेजी की, जैसे यूरोपियन, सारे यूरोपियन आते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, अंततः लड़ाई में अंग्रेज जीतती है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होता है आधुनिक। तो भारत का अगर हम लोग शिक्षा का विकास देखें आधुनिक भारत का, तो आधुनिक भारत का तो आपको यहाँ से पढ़ना है, जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या क्या नियम बनाए, किस कौन कौन से कॉलेजों की स्थापना की, कौन कौन से यूनिवर्सिटी की स्थापना की, वहां से हमारा जो शिक्षा का विकास प्रारंभ होता है आधुनिक काल में। लेकिन अगर हम मध्य पूर्व जो है भारत का प्राचीन भारत का इतिहास है, अगर हम वहां जाके देखते हैं तब हम यहाँ पर भी एक से बड़े एक इंस्टीट्यूशंस आपको देखने मिलेंगे, इसके बारे में भी अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्वर्णिम काल था भारत के शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में ये स्वर्णिम एरा था, गोल्डन एरा जिसको बोलेंगे। लेकिन जैसे ही मध्य काल आता है, मध्य काल में मुस्लिमों का आक्रमण होता है, तो मुस्लिमों ने क्या किया, जितने ही हमारे इंस्टीट्यूशन थे लाइक नालंदा टाइप के जो इंस्टीट्यूशन थे, उसको क्या किया उन्होंने, तोड़ फोड़, मतलब उसको तोड़ दिया और उसकी जगह पर उन्होंने मस्जिद बनाना प्रारंभ किया। तो वहां पर हमारा जो शिक्षा है उस वो थोड़ा सा वो डिक्लाइन वाला एज है, वहां से हमारा शिक्षा गिरना प्रारंभ होता है। ये जो था प्राचीन भारत का इतिहास जो हम पढ़ेंगे, वैदिक काल और मौर्यन काल, ठीक है, गुप्त पीरियड, ये सब में शिक्षा बहुत ही उच्च स्तर का था। लेकिन मध्य काल में शिक्षा गिरेगा, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो मैं आधुनिक भारत का बताने वाला हूँ आपको। ठीक, और यहाँ से नेट में जो यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट में ऐसा देखा गया है कि इस सेक्शन से एक आध दो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस सेक्शन को मैं लेके चल रहा हूँ और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके सेट एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। और हमारा जो टॉपिक है आज का, वो आधुनिक शिक्षा का विकास हम पढ़ेंगे। भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास मतलब हमारा टोटल जो एरिया है आज का वो ये वाला है, आधुनिक भारत का इतिहास से। ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकाल, ये हम कभी और डिस्कस करेंगे, यहां से क्वेश्चन आता है इसलिए इस टॉपिक को मैं लेके चल रहा हूं। जैसा कि हम सभी को पता है, जब यूरोपियन कंपनी का आगमन स्टार्ट हुआ भारत में, तो बहुत सारे हैं, फ्रेंच आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, है ना, ऐसी तरह से और भी सारी कंपनियां आए। लेकिन अंततः जिस कंपनी का भारत में सबसे ज्यादा विकास हुआ वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशुद्ध व्यापारिक कंपनी थी, मतलब उसका केवल एकमात्र उद्देश्य क्या था, व्यापार करना। एकमात्र उद्देश्य क्या है, व्यापार करना। अब भारत में ये व्यापार करने आई है, अपना फैक्ट्री, कोठी जिसको बोलते हैं हिंदी में, कोठी का स्थापना कर रही है, अपना फैक्ट्री बना रही है।
और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक सेवा भी उस फैक्ट्री में, तो ऐसा नहीं कि किसी फैक्ट्री में, अगर ये फैक्ट्री छोटा मोटा फैक्ट्री था, नहीं बहुत बड़े फैक्ट्रीज होते थे। अब ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में मजदूर चाहिए, चलो मजदूर तो भारतीय के रुपए मिल गए, लेकिन प्रशासनिक सेवा भी तो चाहिए। यहाँ पर जो ऑफिसर्स थे वो सारे के सारे ऑफिसर ब्रिटिशर्स नहीं थे, यहाँ पर भी ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती थी, और ये ऑफिसर इंडियन भी उन्होंने हायर किया आगे चल के। लेकिन इंडियन जो थे उस समय उतने एजुकेटेड नहीं थे। क्यों एजुकेटेड नहीं थे? क्योंकि हमने, जैसा आपको मैंने बताया ना कि पहले प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा गया, प्राचीन भारत के बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल में भारत का जो शिक्षा है वो क्या हो गया, गिरना स्टार्ट हो गया, भारत के शिक्षा का स्तर गिरना स्टार्ट हो गया। तो भारत में अब उस तरह के, उस स्तर के जवान नहीं थे जो इन बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर सके। अब अंग्रेजों को समझ में आया कि यहां पर अगर लॉन्ग टर्म में रहना है, मतलब कहाँ पे, भारत में, अगर भारत में लंबे समय तक व्यापार करना है तो हमें भारतीयों को शिक्षा देना पड़ेगी। क्यों शिक्षा देना पड़ेगा? क्योंकि अगर वो शिक्षित होंगे तो ही हमारे फैक्ट्री में काम कर पाएंगे, क्योंकि उनको जरूरत पड़ रही थी ऑफिसर्स की, वर्कर की, मजदूर की। तो मजदूरों को भी तो ट्रेंड करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन्स आ रहे थे फैक्ट्री में, मशीन्स लग रहा है, तो मशीनों को भी, मजदूरों को भी, इंडियन जो मजदूर है उनको तो सिखाना पड़ेगा ना मशीन्स में कैसे काम करने हैं। तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में कॉलेजों की स्थापना की। ठीक है, उनका मेन उद्देश्य तो व्यापार करना ही है, लेकिन व्यापार करने के लिए वर्कर चाहिए, अब वर्कर ट्रेंड वर्कर चाहिए, ट्रेंड करने के लिए इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, कॉलेज की जरूरत है। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में कॉलेज की स्थापना की। इसको पढ़ते हैं, फिर और भी जो डाउट होगा उसको लेते हुए चलूंगा मैं। जो भी समस्या है, आपको डाउट है कमेंट करना, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। एक्चुअली जितना ज्यादा लाइक दिखता है फिर मोटिवेशन आता है कि हाँ इस एरिया में काम करना है। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करिए, तो मुझे समझ में आएगा कि इस ये टॉपिक में वीडियो मुझे नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ में एक विशुद्ध व्यापारिक कंपनी थी। प्रारंभ में शिक्षा के लिए जो भी प्रयास किए गए वे व्यक्तिगत तौर पर किए गए थे, जैसे वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में अरबी व फारसी भाषा के अध्ययन हेतु कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। अब इसको ये बस यही याद रखो कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था कलकत्ता में मदरसा की स्थापना। ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बन सकता है, बस याद रखिए। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मुस्लिम कानूनों व इससे संबंधित अन्य विषयों की जानकारी देना, बस इसका यही उद्देश्य था। 1784 में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। और ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था है, तो संस्था से रिलेटेड प्रश्न बन सकता है, तो आपको याद रखना। और देखा गया है यूजीसी नेट में क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैं इसको टॉपिक को ले आऊं। ठीक, अब पहला पॉइंट तो ये है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। सेकंड आपको याद रखना है 1784 में, डेट याद नहीं रखोगे चलेगा, कौन कर रहा है याद रखो, सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। अब देखोगे तो इनिशियल में सारे के सारे इंस्टीट्यूशन, इनिशियली सारे के सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो कलकत्ता बंगाल में ही केंद्र रहेगा। क्यों? क्योंकि बंगाल ही अंग्रेजों की राजधानी थी। ठीक है, पहले बंगाल राजधानी हुई, बाद में दिल्ली बनेगा, तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन आपको बंगाल या फिर कलकत्ता में दिखाई देगा। तो सेकंड आप याद रखिए, कॉपी में लिखते चलो, पेन और कॉपी उठाओ और लिखो, विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसे प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण योगदान मिला। चार्ल्स विल्कंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, ये भी याद रखिए। विलियम जोन्स ने कालिदास कृत अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक है, आगे देखें, अब देखिए आगे देखिए, बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन, ये प्रश्न बना हुआ है, जोनाथन डंकन के प्रयत्न से 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। अब देखो कलकत्ता में हो गया मदरसा की स्थापना, जिसका उद्देश्य मुस्लिम, जो मुस्लिम लॉ है उसको स्टडी करना था। अब जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, क्योंकि हिंदू के जितने लॉ थे ना, जो विधि थे, दर्शन थे, वो संस्कृत में था।
अब संस्कृत में है तो उनको एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना करनी पड़ी। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता था ना, जो भी संस्कृत में लिटरेचर है उसका बेसिकली ट्रांसलेशन किया जाता था अंग्रेजी में, ताकि उसको अंग्रेज स्टडी कर पाए। अंग्रेज भी इंडियन फिलोसॉफी को पढ़ना चाहते थे, क्योंकि इंडियन फिलोसॉफी भरा हुआ है ज्ञान से। ओके चलिए, कालांतर में लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के असैन्य अधिकारियों के शिक्षा के लिए 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्ट विलियम कॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है आपको। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? वेलेजली ने, वेलेजली, वेलेजली, ठीक है। और ये असैन्य अधिकारियों के लिए, जो भी कंपनी में काम करते थे असैन्य, सेना के अधिकारी को छोड़ के, ठीक है, वो अधिकारी जो सेना से रिलेटेड नहीं थे, उनकी शिक्षा के लिए। अब देखो मैंने बताया ना, कंपनी में काम तो मिल गया था, इंडियन काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो एजुकेटेड नहीं थे। तो अब अंग्रेजों को समझ में आया कि भाई इनको शिक्षा देंगे, इनको इंग्लिश सिखाएंगे, तो ही हमसे ये कम्युनिकेशन कर पाएंगे, हमसे हमारे जो प्रशासनिक जो भी एक्टिविटीज हैं उसको क्या कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो इसलिए कलकत्ता में वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, याद रखिएगा बस। अब देखिए, अब भारत में राजा भी होते थे, रियासत है तो राजा भी होंगे। अब वो रियासत के जो राजा है, या तो वो मुस्लिम थे या तो हिंदू हैं। तो मुस्लिम है तो उनको अरबी फारसी लैंग्वेज आता है, इंग्लिश नहीं आता। सिमिलरली अगर हिंदू है तो उनको संस्कृत या हिंदी आता होगा। तो अब अंग्रेजों को समझ में आया कि भैया इनसे कम्युनिकेट करना तो जरूरी है, किनसे? राजा रजवाड़ों से, रियासत के राजाओं से। तो इसके लिए अब हमको अरबी फारसी संस्कृत के ज्ञाताओं की आवश्यकता है। अब ये ज्ञाता हमें कहाँ से मिलेंगे? ये ज्ञाता हमें मिलेंगे भाई, अगर हम लोग कॉलेज डालेंगे, जैसे अभी संस्कृत के कॉलेज डाल दिया गया। इससे पहले हमने देखा कि मदरसा, मतलब मुस्लिमों के लिए मदरसा, वो भी तो कॉलेज इंस्टीट्यूशन ही है, ठीक है। और संस्कृत के इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी, यहां से निकलेंगे कौन? ज्ञाता, संस्कृत, अरबी, हिंदी, फारसी, उर्दू, इनके सब क्या निकलेंगे? ज्ञाता। कि इन ज्ञाताओं की जरूरत हमें क्यों है? क्योंकि हम अगर इंग्लिश में कुछ फरमान जारी करते हैं तो ये जो ज्ञाता है, लैंग्वेज के जो नॉलेज रखे हुए हैं, वो क्या करेंगे, इस इंग्लिश के फरमान को ट्रांसलेट करेंगे इधर अरबी, फारसी और संस्कृत में, जिनको भेजा जाएगा भारत के जो रियासत है, जो भी रियासत के राजा है, सुल्तान है, उनको भेजा जाएगा, ताकि वो भी समझ सके। अब जो राजा उसको पढ़ेगा और अपना रिप्लाई भेजेगा, तो रिप्लाई भेजेगा तो या तो अरबी में भेजेगा या तो संस्कृत में भेजेगा। तो वो फिर से ये ज्ञाताओं के पास जाएगा और ये ज्ञाता फिर से फर्दर उसे ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी में। तो इस प्रकार कम्युनिकेशन होता था। अभी आपको क्या बोलते हैं, सेट में कम्युनिकेशन का एक टॉपिक पढ़ना है। कम्युनिकेशन के टॉपिक में आप पढ़ोगे कि एक सेंडर होता है, सेंडर मतलब जो मैसेज भेज रहा है, सेंडर, सेंडर भेजेगा। तो अब हमको डिकोड या एनकोड की जरूरत पड़ेगी, इसको मैं सिर्फ ट्रांसलेटर के ट्रांसलेट लिख देता हूं, ठीक है, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट। ये सेंडर एक्चुअली एनकोडर डिकोडर होता है यहां पर, बट हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रांसलेटर के। ये ट्रांसलेट हुआ। अब एक चैनल की जरूरत पड़ेगी, चैनल, चैनल मतलब किसके माध्यम से भेजा गया। अब यहां पर फिर से ये चैनल आया, अब यहां पर फिर से एक रिसीवर होगा, वो क्या करेगा, मैसेज को रिसीव्ड करेगा, रिसीवर होगा। अब रिसीव, ठीक है, तो इस तरह से अंग्रेजों ने कुछ मैसेज भेजा, जिसको ये ज्ञाता जो है उन्होंने ट्रांसलेट करके इनके राजा के लैंग्वेज में भेजा। राजा जिस लैंग्वेज को समझ पाता है उस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके भेजा गया। अब ये राजा रजवाड़े ने अंग्रेज के मैसेज को रिसीव किए, फिर ये वापस भेजा अंग्रेजों को, तो फिर ये चैनल के माध्यम से जाएगा। चैनल का मतलब होता है कौन लेके जा रहा है मैसेज को, ठीक है, वो चैनल, जैसे डाकिया है, पोस्टमैन है, ठीक है, तो वो चैनल हो जाएगा। अब ये ट्रांसलेटर के पास जाएगा, ये फर्दर राजा के लैंग्वेज से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वापस से अंग्रेजों के पास चले जाएगा। तो इस तरह से भारत में शिक्षा का विकास यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। देखिए यहां पर सीधे सीधे लिखा है, कलकत्ता मदरसा में संस्कृत कलकत्ता मदरसा एवं संस्कृत कॉलेज में शिक्षा पद्धति के ढांचे को इस प्रकार तैयार किया गया था कि कंपनी को ऐसे शिक्षित व वफादार वर्ग की प्राप्ति हो जो शास्त्रीय व स्थानीय भाषा के अच्छे ज्ञाता होने के साथ साथ कंपनी की प्रशासन में भी मदद कर सके, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। अब
कॉलेज और इंस्टीट्यूशन का विकास जो अंग्रेजों ने किया वो अपनी व्यापार के प्रसार अच्छे से अच्छा हो सके इसके लिए उन्होंने किया। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां से आपके एग्जाम के लिए कोई काम का चीज नहीं है। फिर जो ईसाई मिशनरी थे, मिशनरी क्या करते थे, जो क्रिश्चियनिटी को फैलाते थे। अब मिशनरी जो है, जो मिशनरी है वो चाहते थे कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। देखो भारत में दो तरह के गुट बन गए थे, एक गुट वो जो प्राच्य शिक्षा के पक्षधर थे, प्राच्य का मतलब प्राचीन शिक्षा, और एक गुट वो है जो आधुनिक या पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे। ठीक है, ये दो गुट भारत में बन गया था, प्राच्य मतलब वेद के थ्रू शिक्षा, पाश्चात्य के मतलब जो अंग्रेज शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, वो शिक्षा। तो अंग्रेज तो ऑब्वियसली पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे, तो कुछ भारतीय भी आपको दिखेंगे जो पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर दिखाई देंगे, कुछ भारतीय आपको दिखेंगे जो प्राच्य शिक्षा के पक्षधर थे। ठीक है, छोड़ो उसको, छोड़ते हैं अभी। मिशनरी भी चाहते थे कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। क्यों? उनका लक्ष्य क्या था, भारत में क्रिश्चियनिटी को फैलाना। अगर पाश्चात्य शिक्षा भारत में होगी, लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी सुनेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे, तो डेफिनेटली वो ईसाई धर्म को स्वीकार करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो ये चाहते थे। बट अंग्रेजों का कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था, अंग्रेजों को या ब्रिटिशर्स को आप देखोगे तो उनको केवल व्यापार करना था, व्यापार में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना था, अपना व्यापार को ज्यादा से ज्यादा फैलाना था भारत में, बस उनका एकमात्र उद्देश्य यही था। अब व्यापार करने के लिए कहीं ना कहीं एक जो लिमिटेशन आ रही थी वो ये है शिक्षा। भारत में शिक्षा का स्तर एकदम गिर चुका था, अब इसे उठाना था। अब इसे उठाने के लिए जो एक महत्वपूर्ण काम जो सबसे पहले किया गया वो है 1813 के चार्टर एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, अब इसको ध्यान से समझना। एक्ट का मतलब क्या होता है, अभी भी हम लोग देखते हैं हमारी पार्लियामेंट जो संसद है वो एक्ट लाती है, अधिनियम बनाती है ना, ये आपने पढ़ा है। तो 1813 का चार्टर एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि ये पहला प्रयास है, अंग्रेजों कंपनी द्वारा पहला प्रयास है भारत में शिक्षा के लिए। ठीक, तो इस एक्ट में क्या किया गया, 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह एक लाख रुपए भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए खर्च करेगा। शिक्षा के प्रसार के लिए क्या करेगा, वो खर्च करेगा। कौन? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का मतलब होता है उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर, ऐसा समझ के चलो, बट एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बट ये आप मान के चलो। ठीक, तो गवर्नर जनरल को क्या दिया गया, ये अधिकार दिया गया कि वो भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए क्या करेगा, खर्च करेगा। ठीक है, प्रतिवर्ष। ठीक है, लेकिन मैंने बताया इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेज अचानक से अच्छे हो गए तो वो भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, बल्कि ब्रिटिश सत्ता द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भारतीयों को क्या करना, नियोजित करना। अब जो छोटे छोटे पद हैं, जो प्रशासनिक पद है, उसमें अंग्रेज तो नहीं आएंगे ना। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसमें अगर 1 लाख लोग काम कर रहे होंगे उस टाइम, ठीक है, मोटे मोटे 1 लाख लोग काम कर रहे, तो इस 1 लाख में ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 हजार ही अंग्रेज अधिकारी थे, बाकी सब इंडियन ही काम करते थे। अब इंडियन काम कर रहे हैं तो हमको जरूरत पड़ेगी, मतलब उस टाइम ब्रिटिशर्स को जरूरत पड़ती थी क्या, अधिकारी। अब अधिकारी ऐसे ही कैसे बना ले, अधिकारी ऐसे कैसे बना ले, तो इसके लिए आपको पढ़ाने की जरूरत है, इसलिए इंस्टीट्यूशंस की क्या बनाने की जरूरत पड़ी अंग्रेजों को उस टाइम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये फिर से अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजा राममोहन राय तथा डेविड हेयर के प्रयासों से 1817 में हिंदू कॉलेज बना। कहां पर? कलकत्ता में, जो पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज है। याद रखिए भाई कि ये पाश्चात्य वेस्टर्न जो सिस्टम है, वेस्टर्न सिस्टम में हाई एजुकेशन देने का फर्स्ट कॉलेज है। कौन सा? हिंदू कॉलेज। किन्होंने इसकी स्थापना किया? राजा राममोहन राय एवं डेविड हेयर, इसको याद रखिए। अब सरकार आगे चल के कलकत्ता, आगरा
और बनारस में तीन संस्कृत कॉलेजों की स्थापना करवाई, व इसके अतिरिक्त यूरोपीय वैज्ञानिक पुस्तकों का प्राच्य भाषा में अनुवाद किया गया। जो भी यूरोपीय वैज्ञानिक पुस्तक है, जो भी यूरोप के जो साइंटिफिक बुक थे, उसको क्या किया गया, भारत के जो प्राचीन भाषा है जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, इन भाषाओं में क्या किया गया, अनुवाद कराया गया, ताकि भारतीय पढ़े और वैज्ञानिक जो थिंकिंग है उसको डेवलप करें। अब आंग्ल प्राच्य विवाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने हालांकि आपको बता दिया। आंग्ल का मतलब क्या है, जो शिक्षा है वो अंग्रेजी भाषा में दिया जाए। प्राच्य का मतलब है वो शिक्षा हिंदी या संस्कृत में दिया जाए। आंग्ल में बेसिकली यूरोपियन पैटर्न पे पढ़ाई हो। प्राच्य का मतलब है प्राचीन जो पैटर्न है, मतलब जो एंशियंट टाइम में जैसा पढ़ा जाता था वेद के थ्रू, ठीक है, पुराण के थ्रू, उसके थ्रू एजुकेशन दिया जाए, ठीक है। बाकी इसको आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेट सेट में यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहो तो आप इसको एक देख लो, बट मुझे नहीं लगता यहां से क्वेश्चन बनने का है, क्योंकि ये हिस्ट्री का हो गया। अब यहां से क्वेश्चन हिस्ट्री के एग्जाम में ही आएगा, हिस्ट्री के। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, ये काम का है। अब ये सिद्धांत क्या बोलता है, शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का तात्पर्य यह था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। कि हम, अब देखो उस समय ना अंग्रेज एजुकेशन पे, शिक्षा पे इतना पैसा खर्च करना नहीं चाहते थे, तो अंग्रेजों ने क्या कह दिया कि हम केवल जो समाज के उच्च वर्ग है, उच्च का मतलब यहां पर, उच्च का मतलब केवल पैसे से ही है, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, जो राजा रजवाड़े हैं, जो राजा रजवाड़े के बच्चे हैं, जो कुलीन वर्ग है, सिंपल सी बोला जाए कुलीन वर्ग, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं उनको ही शिक्षा दो, जो मजदूर है, छोटे लोग हैं, किसान है, ठीक है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको शिक्षा मत दो। ये अंग्रेजों ने ऐसा निकाला ना, केवल क्या, जो उच्च वर्ग है उन्हीं को शिक्षा दो, क्योंकि वो अंग्रेज चाहते भी नहीं थे कि सबको हम शिक्षा दें। सबको शिक्षा देंगे तो वही आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा आजादी के लिए। लेकिन हमको ऑफिसर्स भी चाहिए काम करने के लिए, काम करने, अपने फैक्ट्रीज में काम कराने के लिए ऑफिसर्स भी चाहिए, तो हम केवल उच्च वर्ग को ही शिक्षा दें। अब देखो इसको मैं पढ़ देता हूं एक बार। इस सिद्धांत, इस वर्ग के शिक्षित होने पर शिक्षा का प्रभाव छन छन कर जन साधारण तक पहुंचेगा, किंतु अंग्रेजों की नीति असफल साबित हुई, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति सरकारी पद प्राप्त होने के उपरांत कर्तव्य से विमुख ही रहता था, ठीक है। अब जिसको शिक्षा मिला वो क्या सरकारी पद प्राप्त हो गया, जैसे सरकारी पद प्राप्त हुआ तो फिर अपने से छोटे लोग, मतलब जो ही गरीब तबके के लोग हैं उनको शिक्षा वो देना छोड़ दिया। मतलब ऐसा एक्चुअली कहा गया था कि पहले आप शिक्षित बनो, फिर अपने से छोटे लोगों को भी शिक्षित करो। लेकिन जैसे ही वो शिक्षित हुआ, उसको नौकरी मिली, फिर अपने ही जिंदगी में वो व्यस्त हो गया, ठीक है, ऐसा कहा गया। बट इसको आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं। अब हमको ये एजुकेशन से रिलेटेड ना कुछ इंस्टीट्यूशंस बने उसको देखना है, मैं इसको एक सेकेंड वीडियो में अपलोड कर देता हूँ। यहां तक आपको जो भी डाउट है मुझे बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने से, मैंने बताया ना कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस एरिया में वर्क करने के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और जो जो सीजी सेट के लिए टेस्ट देना चाहते हैं वो अभी कमेंट करना।